नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, डेली की तरह आज भी हम प्रैक्टिस सेट लेकर के उपस्थित हैं, लेकिन आज जो हमारा फाइलम है दोस्तों, वो प्रोटोजोआ नहीं बल्कि आज का फाइलम पोरिफेरा है। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट का तीसरा लेक्चर है, तीसरा प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आज के पोरिफेरा के अपने इस लेक्चर में कितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो यह मेथड हमारा कैसा लग रहा है दोस्त। जैसा कि अभी हमारे दूसरे लेक्चर में आप लोगों ने देखा, बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यह चल रहा है। तो ठीक है, बिल्कुल आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्त आज का क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले देखते हैं यहाँ पर, आज पहले क्वेश्चन से शुरुआत नहीं करेंगे दोस्त। आज का जो हमारी आज की शुरुआत है, दूसरे क्वेश्चन से करते हैं, ठीक है। आज का हमारा दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है इसको देखते हैं। तो देखिए जरा, दूसरा प्रश्न कह रहा है कॉमन बाथ स्पंज इज, कॉमन बाथ स्पंज किसे कहते हैं, ठीक है। कॉमन बाथ स्पंज किसे कहा जाता है, आपके सामने देख रहे हैं कि चार ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन में से सही उत्तर क्या होगा उसको देख लीजिए और समझकर बताइए। कह रहा है यू स्पंजिया होगा कि यू प्लेक्टेला होगा कि हाइलोनिमा होगा कि स्पॉन्जिला होगा, कौन सा है इसमें से कॉमन बाथ स्पंज, कॉमन बाथ स्पंज कौन सा है। तो देख लीजिए जरा, पहली बात तो हम आपको बता दें, ये फ्रेश वाटर स्पंज है। क्या है दोस्त, ये है फ्रेश वाटर स्पंज, फ्रेश वाटर स्पंज है, ठीक है। और जो ये प्लेक्टेला है, इसको कहा जाता है वीनस फ्लावर बास्केट, ठीक है, वीनस फ्लावर बास्केट, वीनस फ्लावर बास्केट कहा जाता है दोस्त। और ये हाइलोनिमा है, इसे कहा जाता है ग्लास रोप स्पंज, ग्लास रोप स्पंज। तो आप देख लीजिए यहां क्या पूछ रहा है, बाथ स्पंज, तो बचा आपके सामने ऑप्शन केवल एक बचा और वो ऑप्शन है ए। तो क्या हो गया इसका राइट आंसर, यू स्पंजिया, यू स्पंजिया इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ कि दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। दूसरे प्रश्न को ध्यान देते हैं, देखते हैं दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। देखिए ये रहा आज का हमारा अगला प्रश्न, तीन नंबर का है। पहले नंबर का क्वेश्चन हम अभी थोड़ी देर में लाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि यह प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त, इसमें ध्यान दीजिए। कह रहा है द क्लास ऑफ साइकॉन इज, अब देखिए क्लासिफिकेशन से भी आ गया, मैंने हर टॉपिक से सम्मिलित किया है प्रश्नों को और इसका एक्सप्लेनेशन भी अभी हम करते हैं, जबरदस्ती एक्सप्लेनेशन। देखिए दोस्त, आपका सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो साइकॉन, देखिए साइकॉन और ल्यूकोसोलोनिया आप जानते हैं, इसमें साइकॉन और ल्यूकोसोलोनिया दो ही हैं, ठीक है। पोरीफेरा में, पोरीफेरा का मतलब होता है कि इसमें ऐसे जीवों को शामिल किया गया, ऐसे जंतुओं को, पोर्स, जिनके पूरे शरीर में पोर्स होता है, छिद्र होता है, अर्थात ये छिद्रधारी होते हैं, ठीक है, पूरे शरीर में छेद ही छेद होता है। तो कह रहा है कि क्लास ऑफ साइकॉन, साइकॉन का क्लास क्या है, कह रहा है कैलकेरिया है कि हेक्साटिनिलिडा है कि डेमोस्पॉन्जिया है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त, ठीक है। साइकॉन का क्लास क्या है, साइकॉन का क्लास क्या है, तो इसका सही जवाब है ए नंबर, कैलकेरिया। क्या है दोस्त, कैलकेरिया इसका राइट आंसर है। चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ, इसकी व्याख्या की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं व्याख्या क्या कहता है, क्या कैलकेरिया है साइकॉन का, ठीक है। तो देखिए ये रहा क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन है दोस्त, आप देख लीजिए, बिल्कुल ये है रहा क्लासिफिकेशन। देखिए स्केल्टन के आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया है पोरीफेरा का, पोरीफेरा का जो क्लासिफिकेशन स्केल्टन के आधार पर जब किया गया तो इसको तीन क्लासों में बांटा गया। कितने क्लास, इसके तीन क्लासों में बांटा गया। वो तीनों क्लास कौन कौन से हैं, पहला है कैलकेरिया, पहला क्लास है, दूसरा है हेक्साक्टिनिलिडा है और तीसरा है डेमोस्पॉन्जिया, डेमोस्पॉन्जिया, ठीक है। तीन क्लास है, कैलकेरिया है और हेक्साक्टिनिलिडा है और डेमोस्पॉन्जिया है, तीन क्लास है दोस्त, ठीक है। अब तीनों क्लास में देख लीजिए, इस कैलकेरिया का एग्जाम्पल है, इसमें ल्यूकोसोलोनिया है, कौन है, ल्यूकोसोलोनिया, ठीक है, ल्यूकोसोलोनिया है दोस्त, यहां पर ध्यान दीजिए ल्यूकोसोलोनिया है, ठीक है, ल्यूकोसोलोनिया। और दूसरा है इसका एग्जाम्पल स्काइफा या साइकॉन कहिए, स्काइफा अथवा साइकॉन, इसको स्काइफा क्या है, क्राउन स्पंज के नाम से भी जानते हैं और इसे क्या कहते हैं, अर्न स्पंज, ठीक है, अर्न स्पंज के नाम से जानते हैं, ठीक है, क्राउन स्पंज, अर्न स्पंज। अब देखिए एक बात और कि हेक्साक्टिनिलिडा का एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है यू प्लेक्टेला, ठीक है, क्या है दोस्त, यू प्लेक्टेला, इसे कहते हैं वीनस फ्लावर बास्केट,
वीनस फ्लावर बास्केट कहते हैं, और हाइलोनिमा है, हाइलोनिमा को क्या कहते हैं, ग्लास रोप स्पंज कहते हैं, ग्लास रोप स्पंज कहते हैं। और डेमो स्पंज यह तीसरा क्लास है इसका, यह दूसरा क्लास है, यह क्लास है तीसरा। इसका एग्जाम्पल है यू स्पंजिया, इसी को कहते हैं बाथ स्पंज। अभी मैंने बताया था कि बाथ स्पंज किसे कहते हैं दोस्त, बाथ स्पंज कौन सा है, तो बाथ स्पंज यही है, यू स्पंजिया आपका राइट आंसर हुआ था। और जो इस ये बाथ स्पंज है, स्पॉन्जिला है, ये फ्रेश वाटर स्पंज है। और क्लियोना, क्लियोना को कहा जाता है बोरिंग स्पंज, और चेलाइना को कहा जाता है मरमेट्स ग्लू। ठीक है, चेलाइना को क्या कहा जाता है, मरमेट्स ग्लू। हालांकि अभी इसके जो कॉमन कुछ नेम है जो छूट गया, एक क्या छूट रहा है, यहाँ देखिए हॉर्नी स्पंज किसको कहते हैं दोस्त, हॉर्नी स्पंज किसको कहते हैं, कहते हैं हिप्पो स्पंजिया, हिप्पो स्पंजिया को हॉर्नी स्पंज कहते हैं। यह आप बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सबके लिए। आप लोग देखिए, मैं आपके लिए इतनी मेहनत और शिद्दत से पूरे अपनी हैंड राइटिंग में लिख करके इसके एक्सप्लेनेशन के लेक्चर बनाया, तो आपका भी फर्ज बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग संख्या आप जोड़ें। और वीडियो को देखिए, आप लोग लाइक नहीं करते, अब मज़ा नहीं आता। ठीक है, तो बिल्कुल आप अगर लाइक भी करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप रहेंगे भी, तो हमें भी ऊर्जा मिलेगी, हमें ऊर्जा मिलेगी तो ट्रांसफ़र करेंगे आपको। ठीक है, चलिए फिलहाल देखते हैं। उम्मीद करता हूं कि यह क्लासिफिकेशन आपकी समझ में आ गया होगा। इसका एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिएगा कि हेक्साटिनिल्रा में कौन है, यूप्लेक्टेला है और हाइलोनिमा है, और जबकि कैल्केरिया में ल्यूकोसोलेनिया है और क्या है, स्काइफा अथवा साइकॉन है। ठीक है, और डेमो स्पंजिया में कौन है, यू स्पंजिया, स्पंजिला और चेलाइना, क्लियोना। ठीक है, इतने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, उसको भी देखते हैं अगले प्रश्न को। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त, इसको देखते हैं जरा। देखिए अगला प्रश्न है, आज का प्रश्न नंबर 4 है, कह रहा है द लार्वा ऑफ ल्यूकोसोलेनिया इज, ल्यूकोसोलेनिया का लार्वा क्या कहलाता है, ल्यूकोसोलेनिया का लार्वा क्या कहलाता है। कह रहा है स्टीरियोगैस्टुला कहलाता है, पैरेन्काइमुला कहलाता है, कि एम्फीब्लास्टुला कहता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो ल्यूकोसोलेनिया का लार्वा क्या कहलाता है, इसका सही जवाब क्या है, इसका राइट आंसर क्या है दोस्त, देख लीजिए जरा। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं ल्यूकोसोलेनिया का जो लार्वा होता है वह क्या है। तो आपकी साली याद रखिए, आपकी साली इससे आप समझ जाएंगे। एक मतलब एम्फीब्लास्टुला, एक मतलब क्या है, एम्फीब्लास्टुला। आपकी साली, साली को याद करेंगे तो ये एक प्रश्न फंस जाएगा भाई। आपकी साली, एक मतलब एम्फीब्लास्टुला, और इसका जो ये किसका एम्फीब्लास्टुला किसका लार्वा है, सासे साइकान का है। किसका है दोस्त, साइकान का लार्वा को क्या कहते हैं, एम्फीब्लास्टुला। पी का मतलब पैरेन्काइमुला, पी का मतलब पैरेन्काइमुला, पैरेन्काइमुला लार्वा किसका है, ली का मतलब ल्यूकोसोलेनिया का है। तो ल्यूकोसोलेनिया का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, पैरेन्काइमुला। ठीक है, ल्यूकोसोलेनिया का जो लार्वा है वो है पैरेन्काइमुला, पैरेन्काइमुला लार्वा किसका है, ल्यूकोसोलेनिया का। तो बिल्कुल याद रखिएगा आपकी साली, ये बेहतरीन ट्रिक है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं अपने इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। क्या पैरेन्काइमुला ही इसका सही जवाब है, ल्यूकोसोलेनिया का क्या पैरेन्काइमुला सही जवाब है। जी हाँ बिल्कुल, ये आप देखिए लार्वा है, लार्वा देखिए हम आपको बता दें, यहाँ पर एम्फीब्लास्टुला लार्वा और पैरेन्काइमुला लार्वा और एक स्टीरियोगैस्टुला लार्वा। ठीक है, तीन लार्वा हैं। देखिए पोरीफेरा में तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट लार्वा कौन कौन से हैं, एक तो है एम्फीब्लास्टुला लार्वा, दूसरा पैरेन्काइमुला है, तीसरा स्टीरियोगैस्टुला है। ये तीन लार्वा हैं इसमें, इसको ध्यान दीजिए, इसके एग्जाम्पल को ध्यान दीजिए, यहीं से आपका क्वेश्चन आ जाएगा। दो आप निकाल लेंगे तो तीसरा ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। दो क्या है, जैसे मैंने अभी बताया, देखिए ट्रिक क्या है, मैंने लिखा है आपकी साली, आप में डबल ए नहीं ए पी लिखिएगा, या कह दीजिए ए पी की साली, ऐसा। ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है एम्फीब्लास्टुला, एम्फीब्लास्टुला, और इसका लार्वा का, सॉरी एम्फीब्लास्टुला लार्वा किसका है, सासे साइकान, सासे साइकान। ठीक है, और पी का मतलब क्या है, पी का मतलब पैरेन्काइमुला और ली का मतलब ल्यूकोसोलेनिया। पैरेन्काइमुला का लार्वा क्या है, ल्यूकोसोलेनिया है, और एम्फीब्लास्टुला किसका लार्वा है, साइकान का लार्वा है। ठीक है, तो देख लीजिए पैरेन्काइमुला किसका है, ल्यूकोसोलेनिया का, स्टीरियोगैस्टुला किसका है, यूप्लेक्टेला का है, यूप्लेक्टेला का। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए जरा फटाफट के अंदाज में, यहां पर
एक बात और कहना चाहेंगे दोस्त, कभी कभी यहाँ मिस प्रिंट हो जाता है तो उससे आप बिल्कुल जो है हतोत्साहित नहीं होइएगा। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि प्रेजेंट बॉडी अब्सेंट माइंड बनाते समय कहीं मिस्टेक तो हो ही जाता है। देखो मिस्टेक मनुष्य से ही होता है, सीधी सी बात है, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है, अगर गलती किसी जब किसी मनुष्य से ना हो तो वो तो गार्ड हो जाता है, ठीक है। तो फिलहाल ऐसी नहीं कह रहे हैं कि ढेर सारी है, कहीं भी कभार ऐसा होने को हो सकता है, तो इससे आप घबराइएगा नहीं, उसको आप कमेंट करिए बिल्कुल, और इसको फिर से हम आपको बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल ऐसी उम्मीद नहीं करिए कि गलती भी होगी, ठीक है। एक एक प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। देख लीजिए जरा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है स्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम फाउंड इन। अब देखिए यहां कैनाल सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, कैनाल सिस्टम, ठीक है। साइकॉन टाइप, ल्यूकॉन टाइप, रेगन टाइप, आपने कैनाल सिस्टम सुना होगा, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए जरा कैनाल सिस्टम कह रहा है स्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम किस में होता है। कह रहा है ल्यूकोसोलोनिया में होता है कि स्काइफा में होता है कि स्पॉन्जिला में होता है कि नन। अभी जो अभी हाल ही में जो टीजीटी की एग्जाम हुई थी, टीजीटी का जो एग्जाम हुआ था उसमें बिल्कुल स्काइफा ही पूछा था, साइकॉन का, ठीक है, साइकॉन का स्काइफा, ठीक है। अब देखिए जरा इसमें इसका एक फार्मूला क्या है, एली सासा ल्यूस्पा, ठीक है, एली सासा ल्यूस्पा। यह है ए का मतलब हो गया स्कॉन टाइप, ए का मतलब स्कॉन टाइप, ली का मतलब ल्यूकोसोलोनिया। ल्यूकोसोलोनिया में कैनाल सिस्टम कैसा होता है, स्कॉन टाइप होता है। और सा का मतलब साइकॉन, साइकॉन इसमें होता है, साइकॉन टाइप किसमें होता है, स्काइफा में, किसमें, स्काइफा में, अथवा कह दीजिए साइकॉन, ठीक है, साइकॉन, ठीक है। और ल्यू का मतलब ल्यूकॉन, ठीक है, यहां क्या होगा ल्यूकॉन टाइप, ठीक है, ल्यूकॉन टाइप किसमें होगा, स्पॉन्जिला में होगा, किसमें, स्पॉन्जिला में, कैसा होगा ल्यूकॉन टाइप, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन कर रहा है स्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम किस में पाया जाता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा एली, स्कॉन, ली का मतलब ल्यूकोसोलोनिया, राइट आंसर इसका ए होगा, ए इसका सही जवाब है ल्यूकोसोलोनिया। चलते हैं देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। देखिए स्कॉन टाइप किस में होता है, ल्यूकोसोलोनिया में होता है। यहाँ आप देख रहे हैं बिल्कुल ट्रिक क्या है, एली सासा ल्यूस्पा, ठीक है। ए का मतलब स्कॉन टाइप और ली का मतलब ल्यूकोसोलोनिया में किस प्रकार कैनाल सिस्टम होता है, स्कॉन टाइप, और स्काइफा में किसका किस प्रकार का होता है, साइकॉन टाइप, और स्पॉन्जिला में किस प्रकार का होता है, ये होता है ल्यूकॉन टाइप, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यह ट्रिक आपके पसंद होगा या आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त, यहाँ पर थोड़ा एक बात और, कैनाल सिस्टम जो स्पंज में कैनाल सिस्टम है उसको भी देख लेते हैं, स्पंज में कैनाल सिस्टम को कि क्या है, स्पंज में कैनाल सिस्टम जो कैनाल सिस्टम होता है स्पंज में जो कैनाल सिस्टम होता है देख लिया जाए कैनाल सिस्टम को, ठीक है। जो कैनाल सिस्टम है कितने प्रकार का है दोस्त, स्कॉन टाइप और साइकॉन टाइप और ल्यूकॉन टाइप, ठीक है, स्कॉन टाइप, साइकॉन टाइप और ल्यूकॉन टाइप, ठीक है। अभी मैंने बताया था ल्यूकोसोलोनियम कैसा होता है, स्कॉन टाइप, तो देख लीजिए ल्यूकोसोलोनियम कैसा है, स्कॉन टाइप, इसका एग्जांपल है। और साइकॉन टाइप किसमें होता है, स्काइफा में, और यह मैराइन वाटर होता है, ठीक है, मैराइन वाटर में होता है, और ये स्पॉन्जिला के इसमें होता है फ्रेश वाटर है, ठीक है, कैसा है, ये फ्रेश वाटर है, ठीक है। तो कैनाल सिस्टम इन स्पॉन्जेस, अभी इसका मैं एक्सप्लेनेशन पहले क्वेश्चन में करूंगा दोस्त, इसलिए अभी अब आज मैंने पहला क्वेश्चन छोड़ा रखा है, पहले क्वेश्चन को अभी मैं लास्ट में कराता हूं, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न, ये रहा अगला प्रश्न, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि फ्लैजिलेटेड सेल्स इन स्पॉन्जेज आर कॉल्ड, फ्लैजिलेटेड सेल्स, ठीक है, फ्लैजिलेटेड सेल्स स्पंज में क्या कहलाती हैं, फ्लैजिलेटेड सेल्स स्पंज में, फ्लैजिलेटेड जो फ्लैजिला जिसमें होते हैं, अगर ऐसा है तो ऐसा, ठीक है, ये फ्लैजिला, ठीक है, इस प्रकार के स्पंज में फ्लैजिलेटेड सेल्स जो होती हैं उसे क्या कहते हैं, कह रहा है पिनाइकोसाइट्स कहते हैं कि कोइनोसाइट्स कहते हैं कि पोरोसाइट कहते हैं कि थीसोसाइट कहते हैं,
कौन सा इसका सही जवाब है दोस्त? इसका सही जवाब कौन सा है? ठीक है, बताइए कौन कौन सा है? पिनाकोसाइट्स है, कोइनोसाइट्स है, पोरोसाइट्स है और थीसोसाइट। ठीक है, इनमें से सही आंसर क्या है? इनमें से सही आंसर क्या है दोस्त? फ्लैजिलेटेड सेल्स होती हैं कोइनोसाइट। कौन सी? कोइनोसाइट्स फ्लैजिलेटेड सेल्स होती हैं, और यही एक करेक्टरिस्टिक फीचर होता है पोरीफेरा का। कोइनोसाइट सेल्स करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पोरीफेरा, पोरीफेरा का मुख्य लक्षण है कौन? कोइनोसाइट्स का पाया जाना। ठीक है, फ्लैजिलेटेड सेल्स होती है, इसमें फ्लैजिला जैसी संरचना होती है। इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ अगर बढ़ें तो देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। देखिए एक्सप्लेनेशन, फ्लैजिलेटेड सेल्स कोइनोसाइट्स हैं, जी बिल्कुल ये हैं। बॉडी डिप्लोब्लास्टिक होती है, इसमें बॉडी कैसी होती है? डिप्लोब्लास्टिक होती है। ठीक है, इसका डिप्लोब्लास्टिक मतलब इसका जो स्पंज का जो शरीर है, बॉडी है, उसमें दो परत होंगी, एक आउटर और एक इनर। ठीक है, इनर और आउटर। तो आउटर जो परत होती है उसे कहते हैं इक्टोडर्म, जो अंदर की होती है उसे कहते हैं इंडोडर्म। ठीक है, जो आउटर इक्टोडर्म है इसे एक नाम और देते हैं पिनाकोडर्म। क्या कहते हैं? पिनाकोडर्म। इक्टोडर्म को क्या कहते हैं? पिनाकोडर्म। और यहाँ इंडोडर्म को क्या कहते हैं? कोइनोडर्म। कोइनोडर्म, कोइनोडर्म आल्सो कॉल्ड कॉलर सेल्स, कोइनोडर्म आल्सो कॉल्ड कॉलर सेल्स। ठीक है, अथवा इसमें जो सेल होती हैं कोइनोसाइट्स। कौन सी? कोइनोसाइट्स, जो कैसी होती है? फ्लैजिलेटेड होती है। अभी यही क्वेश्चन हमारा था कि कोइनोसाइट सेल्स अर्थात फ्लैजिलेटेड सेल्स कौन सी होती हैं, तो वो होती हैं कोइनोसाइट सेल्स होती हैं। फ्लैजिलेटेड सेल्स कौन सी होती हैं दोस्त? कोइनोसाइट सेल्स फ्लैजिलेटेड होती हैं। ठीक है, और यही करेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? पोरीफेरा का या स्पंज का। एक बात और, जो पिनाकोडर्म है इसमें दो प्रकार की सेल्स है, पिनाकोसाइट्स है और दूसरा कौन सा है? पोरोसाइट। पिनाकोसाइट फ्लैट सेल्स होती हैं, और जबकि पोरोसाइट्स कैसी होती हैं? ओवल होती हैं। अब ये मीजेनकाइम कहां से टपक आया? मीजेनकाइम इक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में होता है, मीजेनकाइम कहलाता है। इसमें कई प्रकार की सेल्स होती हैं मीजेनकाइम। ठीक है, और ये क्या है? जिलेटिनस मटेरियल है। मीजेनकाइम क्या है? एक जिलेटिनस मटेरियल है। ठीक है, जिलेटिनस मटेरियल है जो बटा होता है, कंसिस्ट ऑफ किसमें बटा होता है? अमीबोसाइट्स, स्क्लेरोब्लास्ट और स्पंजियोब्लास्ट और आर्कियोसाइट और थीसोसाइट। आप देख रहे हैं ये सेल्स बहुत पूछी जाती हैं। इनमें सबसे ज्यादा जो पूछा गया है या तो थीसोसाइट्स है, या तो इसमें आर्कियोसाइट्स है, या तो इसमें जो है स्क्लेरोब्लास्ट है। ठीक है, तो इसका देख लीजिए आप जरा, अमीबोसाइट्स हैं जो अमीबी मूवमेंट करती हैं, अमीबी मूवमेंट करती हैं इसमें। स्क्लेरोब्लास्ट, इससे स्केलेटन फॉर्म होता है। किसका फॉर्म करती हैं? स्केलेटन का फॉर्म करती हैं, स्केलेटन बनाती है, अथवा स्पीक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। स्पीक्यूल्स का फॉर्मेशन स्पंजियोब्लास्ट एंड स्क्लेरोब्लास्ट के द्वारा होता है, स्पीक्यूल्स। ठीक है, और आर्कियोसाइट्स का किसके लिए होती है? फॉर ओवा एंड स्पर्मेटोजोवा, अर्थात ओवा और स्पर्मेटोजोवा का फॉर्मेशन करती है, अर्थात रिप्रोडक्शन में भाग करती हैं, रिप्रोडक्शन में। ठीक है, और जो थीसोसाइट है, स्टोरेज ऑफ फूड, क्या करती है दोस्त? ये स्टोरेज ऑफ फूड का काम करती हैं। यहां आर्कियोसाइट से एक क्वेश्चन और है दोस्त, कहा जाता है टॉटिपोटेंट सेल कौन सी होती है? तो आर्कियोसाइट्स क्या होती है? टॉटिपोटेंट सेल होती है जिसमें अपनी मतलब जनन की क्षमता, ठीक है, अपनी तरह से दूसरी बना देना वैसा सेल्स, उसी में टॉटिपोटेंसी कहते हैं। ठीक है, टॉटिपोटेंसी सेल्स कौन सी है? आर्कियोसाइट सेल। थीसोसाइट मैंने बताया कि स्टोरेज ऑफ फूड, इसका काम क्या होता है दोस्त? इसका काम होता है स्टोरेज ऑफ फूड, इसका काम है। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि इसमें जो है, जो पोरीफेरन है, इसमें स्पंज है, उसकी बॉडी कैसी होती है? डिप्लोब्लास्टिक होती है। और ये पॉइंट्स को आप जरा ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 7 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि पैरागैस्ट्रिक कैविटी इज अनदर नेम फॉर, मतलब कह रहा है पैरागैस्ट्रिक कैविटी का दूसरा नाम क्या है? पैरागैस्ट्रिक कैविटी का दूसरा नाम क्या है? अब देखिए, पहला कह रहा है स्यूडोसील, दूसरा कह रहा है सिलोम है, तीसरा कह रहा है स्पंजोसील है, चौथा कह रहा है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी कहते हैं। पैरागैस्ट्रिक कैविटी का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए जरा, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? इसका राइट आंसर होगा स्पंजोसील। क्या है? स्पंजोसील। और यही एक बड़ी गुहा होती है, एक कॉमन कैविटी भी होती है। ठीक है, कॉमन कैविटी भी होती है और एक लार्जेस्ट कैविटी भी होती है, और कॉमन कैविटी भी होती है। ठीक है, तो चलिए इसके हम एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं कि क्या यह बात सही है, पैरागैस्ट्रिक कैविटी को स्पंजोसील ही कहा जाता है। जी हाँ, देख लीजिए, लार्ज एंड कॉमन कैविटी कौन होती है? स्पंजोसील अथवा पैरागैस्ट्रिक कैविटी। पैरागैस्ट्रिक कैविटी का दूसरा नाम क्या है? देख लीजिए, पैरागैस्ट्रिक कैविटी का दूसरा नाम क्या है? स्पंजोसील।
पैरागैस्ट्रिक कैविटी अथवा क्या स्पॉन्जोसील है, ठीक है। और ये लार्ज एंड कॉमन कैविटी होती है, लार्ज एंड कॉमन कैविटी होती है। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, उनको भी देख लिया जाए। कुछ कॉमन पॉइंट्स क्या है दोस्त, इसको देखिए जरा। कॉमन पॉइंट्स देखिए, इसमें कॉमन पॉइंट्स क्या है, अगर हम इसके कॉमन पॉइंट्स की बात करें तो यहां ध्यान दीजिए कॉमन पॉइंट्स की। स्पॉन्जेस में भी सॉलिटरी स्पॉन्जेस या तो एकल हो सकता है, एकल अकेला हो सकता है, जैसे हम लोग समूह में थोड़ी ना है कि सबका पैर एक जगह है या हाथ एक जगह है, सब गुच्छे में बंधे हैं, तो एकल है। एकल की कंडीशन में कौन होता है, साइकॉन। एग्जांपल सॉलिटरी का कौन है, साइकॉन है। अथवा कॉलोनियल, अथवा कॉलोनी में होगा, एक समूह में होगा, तो साइकॉन सॉलिटरी अवस्था में होता है, एकल होता है, जबकि ल्यूकोसोलोनिया कैसा होता है, कॉलोनियल होता है। कैसा होता है, कॉलोनियल होता है, ठीक है। अगली खास बात क्या है देखिए जरा, ऑल स्पंज आर एक्वेटिक। सभी स्पंज कैसे होते हैं, जलीय होते हैं। सभी स्पंज कैसे होते हैं, जलीय होते हैं। और जली में कुछ जो है फ्रेश वाटर होते हैं, मोस्टली कैसे होते हैं, मैराइन होते हैं। मोस्टली मैराइन होते हैं और फ्यू आर फ्रेश वाटर, कुछ ही जो है फ्रेश वाटर होते हैं, स्वच्छ जलीय होते हैं। जैसे स्पॉन्जिला, जैसे कौन स्पॉन्जिला कैसा है, फ्रेश वाटर है। और लेकिन जो पोरीफेरा है मोस्टली कैसे होते हैं, मैराइन होते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है उसकी तरफ भी देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है स्मॉलेस्ट, कह रहा है स्मॉलेस्ट पोरीफेरा इज, सबसे छोटा पोरीफेरा कौन सा है। देख लीजिए ऑप्शन, साइकॉन है कि ल्यूकोसोलोनिया है, स्पेसियो स्पॉन्जिया है, स्पेसियो स्पॉन्जिया है, ठीक है। इसका सही जवाब क्या है, स्मॉलेस्ट पोरीफेरा। जी हाँ बिल्कुल, स्टार मैंने लगा दिया है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में एक अपना पॉजिटिव कमेंट के साथ इसका आंसर देना है, ठीक है। एक जबरदस्त कमेंट के साथ इसका आंसर देना है कि यह जो हम आपके लिए जो टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, जो प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं सीरीज, यह आपके लिए कैसा है, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, तब और मज़ा आता है, ठीक है। संख्या थोड़ा सा और बढ़ाइए दोस्त, ठीक है। फिलहाल इतनी भी संख्या है, सही भी है, ठीक है, लेकिन बढ़ाएंगे तो और मज़ा आ जाएगा दोस्त, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा, इसका क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में मैंने बता दिया, देख लीजिए। कुछ पॉइंट्स हैं पोरीफेरा से संबंधित, देखिए पोरीफेरा से संबंधित पॉइंट्स क्या हैं दोस्त, इसको ध्यान दीजिए। पोरीफेरा, इसका पोरीफेरा दो शब्द, पोर प्लस बियरर, ठीक है। पोर का मतलब छिद्र होता है, बियर का मतलब धारण करना, अर्थात ये क्या कहलाते हैं, छिद्रधारी जंतु कहलाते हैं, छिद्रधारी जंतु कहलाते हैं। ये ऐसे जंतु होते हैं जिनके पूरे बॉडी में क्या होता है, छिद्र ही छिद्र होता है, ठीक है। इसकी स्टडी क्या कहलाती है, पोरीफेरा की स्टडी क्या कहलाती है, पैराजूलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है, पैराजूलॉजी। जैसे प्रोटोजोआ का अध्ययन क्या कहलाता था, प्रोटोजूलॉजी कहलाती थी, प्रोटोजूलॉजी। वैसे पोरीफेरा का अध्ययन क्या है, यह है पैराजूलॉजी, ठीक है। अब यहां पर देख लीजिए जरा, इसका टर्म किसने दिया, पोरीफेरा टर्म किसने दिया, तो दिया रॉबर्ट ग्रांट ने। किसने दिया, रॉबर्ट ग्रांट ने दिया टर्म क्या, पोरीफेरा, ठीक है। स्मॉलेस्ट आपको बताना है दोस्त, और लार्जेस्ट कौन सा होता है, देख लीजिए स्पेसियो स्पॉन्जिया, ठीक है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ वन लाइनर क्या है, इसको जरा ध्यान दीजिए। वन लाइनर एक लाइन वाले क्वेश्चन हैं, एक लाइन वाले क्वेश्चन, थोड़ा सा और ऊपर ही रखते हैं। देख लीजिए क्या कह रहा है, एक लाइन वाला क्वेश्चन कह रहा है, 9 नंबर का, स्पॉन्जेज सोस ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहां पर क्या भरा जाएगा, ठीक है, कि टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, कि सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, कि ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका सही जवाब क्या होगा, इसमें आपको भरना है, ठीक है। तो स्पॉन्जेस क्या प्रदर्शित करते हैं, सेलुलर, क्या दोस्त, सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात सेलुलर, अर्थात कोश की इसका बॉडी संगठन कैसा होता है, सेलुलर टाइप का होता है। तभी थीसोसाइट, कोइनोसाइट और अमीबोसाइट, तमाम प्रकार की सेल्स होती हैं, सबका काम अलग अलग होता है, तो सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, सेल्स पर इनका डिवीजन होता है, ठीक है। अब अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, स्पॉन्जेज आर कैरेक्टराइज्ड बाय, कैरेक्टराइज्ड अर्थात स्पंज का मुख्य लक्षण किस कोशिका का पाया जाना है, ठीक है। स्पॉन्जेज आर कैरेक्टराइज्ड बाय व्हिच सेल्स, कौन सी कोशिका यहां होनी चाहिए, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है। अभी मैंने बताया था जो फ्लैजिलेट थी, अर्थात कोइनोसाइट सेल्स थी, क्या थी, कोइनोसाइट सेल,
क्विनोसाइट सेल, ठीक है। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन सा है दोस्त? क्विनोसाइट सेल्स है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये क्विनोसाइट हो गया, सेलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। देखिए अगला कह रहा है प्रश्न में, चलो भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, कैविटी कॉमन टू ऑल स्पंज इज, एक ऐसी गुहा जो सभी स्पंज में पाई जाती है, कॉमन होती है। अभी मैंने लार्ज और कॉमन कैविटी बताई, उसका नाम क्या था? उसका नाम था स्पॉन्जोसील। क्या था? स्पॉन्जोसील, ठीक है, स्पॉन्जोसील था, ठीक है। अगला है 12 नंबर का क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द स्पंजेज आर फाउंड इन, किस वाटर में मोस्ट ऑफ स्पंज पाए जाते हैं? तो अभी मैंने बताया था मोस्टली कैसे होते हैं, मोस्टली बताइए जरा कैसे होते हैं स्पंज, और फ्यू कुछ ही फ्रेश वाटर होते हैं, जबकि मोस्टली कैसे होते हैं? मैराइन होते हैं। कैसे होते हैं मेरे भाई? मैराइन होते हैं, ठीक है, मैराइन वाटर में। स्पंजोसील आर आल्सो नोन एज स्पंजोसील को और किस नाम से जानते हैं? कमेंट करिए, फटाक से बताइए, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। स्पंजोसील को क्या कहते हैं? अभी मैंने आपको बता दिया, पैरागैस्ट्रिक कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरागैस्ट्रिक कैविटी कहते हैं, पैरागैस्ट्रिक कैविटी, स्पंजोसील, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाए, क्या हो जाएगा दोस्त? स्पंजोसील आल्सो नोन एज पैरागैस्ट्रिक कैविटी, पैरागैस्ट्रिक कैविटी, कैविटी, ठीक है। देख लीजिए यहाँ 13 नंबर का आंसर मैंने फीड कर रखा है पैरागैस्ट्रिक। पहले क्वेश्चन में सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है? पोरीफेरा का, क्विनोसाइट सेल्स का पाया जाना, और इसमें कॉमन, मोस्ट कॉमन जो कैविटी होती है, लार्ज होती है, स्पंजोसील होती है। मोस्टली ये स्पंजेस कैसे होते हैं? मराइन होते हैं, और ये पैरागैस्ट्रिक कैविटी ही देख लीजिए स्पंजोसील को ही कहा जाता है। अब है फर्टिलाइजेशन इन स्पंजीज, इंटरनल इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। और एम्फी ब्लास्टुला इज लार्वा ऑफ, एम्फी ब्लास्टुला लार्वा किसका है, किस स्पंज का है? तो वो है साइकॉन का, ठीक है, किसका है? साइकॉन का, ठीक है। साइकॉन का जो लार्वा है वो क्या है? अभी मैंने बताया था एपी, सॉरी आपकी साली, ठीक है, आपकी साली, ए का मतलब एम्फी ब्लास्टुला, सा का मतलब साइकॉन, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त उसको भी जरा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, तो देख लीजिए अब आज का अगला प्रश्न, ठीक है। तो ये रहा अगला प्रश्न आज का, ठीक है, इसको देखते हैं कि आज का यह प्रश्न क्या कह रहा है। तो दोस्त इस टाइप का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है कैसा है? अच्छा है ना? तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप सबके समझ में आ रहा होगा। आज का यह प्रश्न देखते हैं, थोड़ा सा लंबा प्रश्न है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, करेक्ट पाथवे इन स्पंज, यानी स्पंज में एक सही सही क्रम को, सही रास्ते को चुन दीजिए, ठीक है। यहां ऑप्शन दे रखा है, क्या है? कह रहा है आस्कुलम, आस्कुलम से जो है वाटर जाता है, प्रवेश करता है आस्कुलम से, तो आस्कुलम से प्रवेश नहीं करता दोस्त, बल्कि आस्कुलम से आउट होता है। आस्कुलम से क्या होता है? आउट होता है, ठीक है। इंटर करता है कहां से? ऑस्टिया से। इंटर करता है कहां से? ऑस्टिया से, बल्कि यहां कह रहा है, उल्टा कह रहा है कि ऑस्टिया के द्वारा निकलता है, इधर से प्रवेश करता है। तो यह है आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा देखिए, फिर यहां कह रहा है ऑस्टिया से चल रहा है, कहां चल रहा है? ऑस्टिया से, जी बिल्कुल ऑस्टिया से चल रहा है इन करेंट कैनाल में, हाँ ये भी सही है। फिर कह रहा है इससे चलेगा प्रोजोपाइल में, ये भी सही है। फिर उसके बाद कह रहा है स्पंजोसील में जाता है, और स्पंजोसील नहीं, स्पंजोसील फिर कह रहा है इससे डायरेक्ट किस में चला जाता है? ऑस्टिया में चला जाता है, ठीक है। ऑस्टिया में नहीं, यहाँ तो ऑस्टिया है, यहाँ पर भी है ऑस्टिया, यहाँ पर भी है, तो ये क्या सही है क्या? ये गलत हो गया। अब अगला कह रहा है ऑस्टिया से इंटर करेगा, फिर इनकरेंट कैनाल में पहुंचेगा वाटर, फिर प्रोजोफाइल में जाएगा, फिर एपोफाइल में जाएगा, फिर उसके बाद स्पंजोसील में जाता है, फिर ऑस्कुलम के द्वारा बाहर हो जाता है। जी बिल्कुल, इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी इज द राइट आंसर। चलते हैं इसके ग्राफ की तरफ, देखते हैं कि आखिर इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। थोड़ा सा हम इसको और छोटा कर लेते हैं दोस्त, इसको क्या कर लेते हैं? थोड़ा सा छोटा। भाई हो जाओ, काहे परेशान कर रहे हो आप, ठीक है, छोटा कर रहे हैं तो नहीं हो रहा क्या? देखिए जरा इसको, अगर हम थोड़ा सा और अगर छोटा करें दोस्त, और छोटा करें, तब क्या हो जाएगा? हाँ अब तो शायद आ जाना चाहिए, जी बिल्कुल आ गया, ठीक है। देखिए जरा अगर हम इसको छोटा कर दिए, अब यहां से हम लोग समझ सकते हैं इसको, ठीक है। ध्यान दीजिए, कैनाल सिस्टम एस्कॉन टाइप है, साइकॉन टाइप, ल्यूकॉन टाइप। कैनाल सिस्टम कितने प्रकार का है? यह है 3 प्रकार का।
स्कॉन टाइप किस में होता है, ल्यूकोसोलोनिया में। साइकॉन टाइप किस में होता है, साइकॉन में, ठीक है, या स्काइफा में। और ल्यूकॉन टाइप किस में होता है, स्पॉन्जिला में होता है, ठीक है, स्पॉन्जिला में। अब यहाँ ध्यान दीजिए, स्कॉन टाइप का ये कैनाल सिस्टम क्या होता है कि आउट वाटर आउटसाइड से मतलब आएगा किस में पहले, ऑस्ट्रिया में आएगा, ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया से कैस में आएगा, स्पॉन्जोसील में। स्पॉन्जोसील से ऑस्कुलम के द्वारा क्या हो जाता है, वो आउटसाइड हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ये किस प्रकार का कैनाल सिस्टम है, स्कॉन टाइप है। इसका एग्जांपल क्या है, ल्यूकोसोलोनिया। स्कॉन टाइप का एग्जांपल क्या है, ल्यूकोसोलोनिया। मैंने बताया था एली सासा ल्यूस्पा, ठीक है, एली सासा ल्यूस्पा भी मैंने बताया था, ल्यूस्पा कैनाल सिस्टम। तो ए का मतलब स्कॉन टाइप, सा का मतलब साइकॉन टाइप, ल्यू का मतलब ल्यूकॉन टाइप, ली का मतलब ल्यूकोसोलोनिया, सा का मतलब साइकॉन, और स्पा का मतलब स्पॉन्जिला। तो साइकॉन टाइप में क्या होता है, वाटर आउटसाइड से ऑस्ट्रिया के द्वारा आएगा इनकरेंट कैनाल में, इनकरेंट से प्रोजोपाइल, प्रोजोपाइल से फ्लैजिलेटेड कैनाल में, फिर एपोपाइल में, एपोपाइल से स्पॉन्जोसील में, स्पॉन्जोसील से ऑस्कुलम के द्वारा क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, ये पाया जाता है किसमें, साइकॉन में। और ल्यूकॉन टाइप में क्या होता है कि वाटर जो है आउटसाइड से इंटर करेगा ऑस्ट्रिया के द्वारा, किसमें आएगा, इनकरेंट कैनाल में, इनकरेंट कैनाल से प्रोजोपाइल में, फिर किसमें आएगा, फ्लैजिलेटेड कैनाल में, फिर एक्स करेंट प्रोजोपाइल के द्वारा आएगा एक्स करेंट कैनाल में, फिर इसके द्वारा आएगा इंटरनल प्रोजोपाइल से स्पॉन्जोसील में, स्पॉन्जोसील से ऑस्कुलम के द्वारा आउटसाइड वो निकल जाएगा, बाहर हो जाता है। इसका क्या है एग्जाम्पल, स्पॉन्जिला। कौन सा है, इसका एग्जाम्पल है स्पॉन्जिला। तो दोस्त हम आपको बता दें, इस तरह से जो हमारा प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, हम आपको बता दें कि जो इस प्रकार का प्रैक्टिस सेशन है कैसा है। हालांकि मैं आपको बताया हूं, पहले शेड्यूल जारी कर चुका हूं कि एक फाइलम से, जो आपका एक फाइलम है, एक फाइलम से मैं दो प्रकार के प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊंगा। एक तो जो है थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन सहित, और एक बिना एक्सप्लेनेशन का। जो बिना एक्सप्लेनेशन का होगा उसमें हम 50 क्वेश्चन को शामिल करते हैं। तो अब हमारा इसका जो दूसरा लेक्चर है दोस्त, वो 50 क्वेश्चन का होगा, और विदाउट एक्सप्लेनेशन होगा, उसमें फटाफट आपको आंसर देना है, और अपने आपको आंकना है, अपने आपको आंक लेना है, आकलन करना है कि आपकी तैयारी कहां तक हो चुकी है। ठीक है, आप बिल्कुल पढ़िए, इसका लेक्चर पढ़िए, और उसके बाद इसके आंसर को देने के लिए तैयार रहिए। चलिए दोस्त, आज के हमारे इस लेक्चर में बस यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में अपने। ठीक है, ओके, थैंक यू, जय हिंद।